नमस्कार साथियों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके चलते हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो सीएम सुक्खू बोले, 60 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया में लाई जाएगी पारदर्शिता, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले 60 दिनों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी। जेआईटी पेपर लीक मामले पर सीएम ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 12 दिसंबर को एक बैठक बुलाई थी। सुक्खू ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को कहा था कि इस तरह के मामलों पर नजर रखें। कहा पुलिस अधिकारियों ने जाल बिछाया और मामले को पकड़ा। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को विश्वास दिलाया था कि जितने भी घोटाले नौकरियों से संबंधित हो रहे हैं उन्हें सामने लाया जाएगा। इस पर हमारी सरकार ने काम शुरू किया है। आरोपी महिला कर्मचारी के घर से जूनियर ऑडिटर भर्ती के प्रश्न पत्रों के 3 सेट भी मिले जिसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई थी। 1 जनवरी 2023 को प्रस्तावित कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हो चुका था। इसके अलावा 6,40,000 रुपये आरोपी महिला कर्मी के घर से मिले जो भी अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के अधिकारी थे। उनका ब्यौरा मांगा गया है। इस दृष्टि से एक SIT का गठन किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चल रही या होने वाली भर्तियों को फिलहाल रोक दिया गया है। आगे की भर्ती परीक्षाएं कैसे पारदर्शिता से करवाई जाए, सरकार इस पर ध्यान कर रही है। हमारी सरकार का दृष्टिकोण साफ है कि मेरिट को इग्नोर न किया जाए। सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में भर्तियां पारदर्शिता से की जाएं, कोई भाई भतीजावाद न हो। दुख की बात है कि कहा पूरा भाजपा सरकार ने आंखें मूंद ली, 14 लाख बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा किया है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि अगले 60 दिनों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी। तो यही है तमाम बड़ी विशेष खबर की हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुखद खबर है जिसमें सीएम सुक्खू ने कहा है कि 60 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाएगी। दूसरी ओर इन्होंने कहा है कि इन भर्तियों में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। तो काफ़ी सुखद यह खबर युवाओं को निकल कर आ रही है। तो अभी के लिए यही है तमाम बड़ी विशेष खबर। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।